हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि रियलमी अलार्म प्रॉब्लम सॉल्यूशन में आज बात करने वाला हूँ कि अलार्म बजता रहता है। तो इसमें बता दूँ, रियलमी का अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि मुझे तो काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम आ रही थी। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि उसमें 2 से 3 सेटिंग होती है जो आपको करनी रहती है। एक तो प्रॉब्लम आपका यह आता है कि आपका अलार्म बजता रहता है, जैसे कि और मोबाइल में होता है कि 30 सेकेंड या 1 मिनट बजने के बाद वो ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली, बट रियलमी में प्रॉब्लम है कि वो ऑटो बजता रहता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बंद ही नहीं होता, बल्कि 15 से 20 मिनट तक बचता रहता है। दूसरी कि रिपीटेड टाइम बहुत जल्दी जल्दी रिपीट होता है, या फिर बहुत लॉन्ग टाइम रिपीट होता है, या फिर इसकी टोन, यानी जितनी भी सारी 3 से 4 सेटिंग उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपका बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में आ जाना है। मोबाइल में आने के बाद यहाँ से आपको अपना जो भी अलार्म है ऑप्शन एप्लीकेशन, आपको अलार्म वाला उसको चूज़ कर लेना है, उसे उस पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं अपने अलार्म जो क्लॉक उसमें होता है, क्लॉक अलार्म में नहीं होता, उसमें क्लॉक होता है, तो आप उसमें आ जाना, ठीक है। तो आपने जिसने भी अलार्म सेट किया है यहाँ से आप चाहे सेट कर लीजिए, सेट करने के बाद सेट करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो 3 डॉट वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे जो 2 डॉट वाला ऑप्शन दिख रहा है इसमें, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सेटिंग पे सिंपली आ जाना है, सिंपली आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपको 3 से 4 सेटिंग मिलेगी, तो यही सब सारी सेटिंग आपको यहाँ पे सही करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रिंग ड्यूरेशन, यानी आप कितने चाहते हैं कितने देर तक आपकी जो है अलार्म जो टोन हो कितने देर तक बचे। तो आप चाहते हैं कि बात ज़्यादा देर तक ना बजे, तो आपको 1 मिनट कर सकते हैं, या 5 मिनट, या फिर 10 मिनट, या फिर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक आप उसको कर सकते हैं। यानी आपको मिनिमम अगर आप चाहते हैं ज़्यादा देर ना बजे तो आप 1 मिनट कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली आपके लिए जो है रिंग टोन जो होगी ऑफ हो जाएगी, वो नहीं बजेगी। उसके बाद दूसरा जो सेटिंग है यहाँ से आपको इंटरवल, यानी चाहते हैं कितने देर के बाद आपका अलार्म दोबारा रिपीट हो। जैसे आपने 10 बजे लगाया, चलो आप चाहते हैं कि 10:05 पे, 10:15 पे, 10:20 पे कितने देर के बाद वो रिपीट हो। अगर आप चाहते हैं 10:05 पे, यानी 5 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद दोबारा रिपीट हो, तो 10 तो 5 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट बाद, इस तरीके से 10, 5, 20, 25, आधा घंटा, यानी आप जितने चाहते हैं कि जितने देर के बाद वो रिपीट हो आप उतना कर सकते हैं। तो मैंने 5 मिनट चूज़ किया, ठीक है। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि कितनी बार रिपीट हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार टाइम्स, तो आपको 1 बार कर सकते हैं, या फिर 2 बार कर सकते हैं, जितने भी चाहें आप, 5 बार भी, मैक्सिमम आप 10 बार कर सकते हैं रिपीटेड। उसके अलावा यहाँ से ये जो सेटिंग है आपको इसको ऑन कर लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी अलार्म लगाया उसे आपका अलार्म टाइम होने से पहले आपको नोटिफाई कर दे, 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहले, तो ये आपको ऑन कर लेना, या फिर आप चाहें इसको ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आप ऑन कर लेंगे तो आपको नोटिफाई कर देगा कि आपने अलार्म लगाया है और इतना मिनट बाकी है, ठीक है। तो ये 3 से 4 सेटिंग थी। तो मैं होप करता हूँ कि अगर आप कि जो भी प्रॉब्लम है इससे सॉल्व हो जाए। अगर आप इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम अपने मोबाइल फ़ोन से लेकर, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस पर वीडियोज़ बना दूंगा। वैसे तो मेरा यह चैनल एजुकेशन का, लेकिन मैंने इस पर बना दिया क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी काफ़ी दिनों से। और दूसरा जो मेरा चैनल टेक्निकल ITR करके फीचर्स में मिल जाएगा, फीचर्ड में, तो वहाँ से जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते, उसी पर सारी वीडियो आएगी। अभी उसमें 1-2 वीडियो है, तो उसी पर सारी वीडियो आएगी। तो आपको जो भी कोई भी डाउट हो मोबाइल फ़ोन में लेकर, तो उसमें हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी।